धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा सोमवार को राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में बैठक हुई। इस दौरान नई कमेटी का गठन किया गया। वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर न्यास बोर्ड के खिलाफ पुराने कमेटी के सदस्य नई कमेटी का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर में न्यास बोर्ड की राजनीति नहीं चलेगी। जिस तरीके से मंदिर में कमेटी बनाई गई है, ये पूरी तरह से गलत है। हाईकोर्ट में मामला होने के बावजूद भी इनके द्वारा कमेटी का ताला तोड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार इस कमेटी का हम विरोध करते रहेंगे। वहीं इस विरोध पर न्यास बोर्ड का कहना है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये विरोध क्यों किया जा रहा है। इन्हें विरोध नहीं बल्कि कमेटी का सहयोग करना चाहिए। नहीं देखिए, धार्मिक न्यास बोर्ड की बात नहीं है। धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा पहाड़ी मंदिर में नई कमेटी का गठन किया गया। उस नई कमेटी का आज प्रथम बैठक था और तमाम चीज़ें बैठक में आई कि कैसे मंदिर का विकास कर सकते हैं, मंदिर के विकास के लिए क्या क्या हम योजना आगे ला सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा हुई है और हमें लगता है कि बहुत जल्द अब पहाड़ी में आपको विकास दिखेगा। जो पहाड़ी यहाँ के रांची का हृदय स्थल है, उसमें श्रद्धालुओं को कैसे मूलभूत सुविधा दे सकते हैं, अधिक से अधिक प्रयास जो है यहाँ किया जाए। ये विरोध जो राजनीतिक दलों के मेंबर हैं उनको मंदिर समिति का सदस्य बना दिया है और ऐसा बाईलॉज में जो नियम है उसमें मेंशन किया हुआ है कि आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को मंदिर का जो समिति उसमें मेंबर नहीं बना सकते। और यहाँ पे जो लोगों 20 30 40 साल से जो समिति चल रही थी जिसमें यहाँ के भक्तगण थे उसको भंग कर दिया गया बिना किसी ठोस कारण के, और उनको वहाँ वो लोग आकर के रूलिंग पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर एक तरह से कब्जा कर लिया। और इसमें रोचक तथ्य यह है कि बेटा यहाँ बन गया है, बाप बन गया संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये परिवारवाद भी है, राजनीति भी है, नेपोटिज्म में सारा कुछ हो रहा है। हिंदू धर्म और अपना ये जो सनातन धर्म है इसके लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। आज एक सरकार आएगी अपने राजनीतिक दल के नेताओं को, नीचे जो छुटभैये नेता है उनको खुश करने के लिए जैसे मंदिर है उनके ऊपर बैठा देगी, कल दूसरी आएगी वो बैठा देगी, यही चलेगा क्या? मेरा मंदिर क्या राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए है? अपनी राजनीति आप अपने सड़क पे करिए, आप अपने ऑफिस कार्यालय में करिए, जहाँ करना है करिए। मेरे मंदिर को अपनी गंदी राजनीति से दूर रखिए। यहाँ पर अगर बैठाना है, इतनी चिंता थी, यहाँ धर्म के ज्ञाताओं को बैठाते, संस्कृत के ज्ञाताओं को बैठाते, वेद पुराणों के पुराणों को, रामायण के महाभारत के ज्ञाताओं को यहाँ बुलाते, उनको बैठाते, मंदिर का सदस्य बनाते।